गैर मुस्लिमों के साथ शादी करके मुर्तद हो रही हैं, बराहे मेहरबानी इनके लिए आप कोई पैगाम भेज दें। देखें, मुसलमान औरत का किसी भी गैर मुस्लिम मर्द से निकाह नहीं हो सकता, इसी तरह किसी मुसलमान मर्द का हिंदू लड़की से भी निकाह नहीं हो सकता। ये निकाह नहीं, ये जिना है। तो सारी जिंदगी बदकारी का गुनाह मिलेगा, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अलीजा और आयश की एक वीडियो किसी ने मुझे मेंशन की कि इनकी पूरी फैमिली जो है वो नेपाल पहुंच चुकी है और इन दोनों की जो है वो शादी कर दी गई। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आयुष ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो अलीजा ने उसके साथ शादी किया तो वो शादी नहीं है, वो निकाह हो ही नहीं सकता। किसी भी मुसलमान लड़की का किसी हिंदू लड़के से निकाह नहीं हो सकता और ठीक उसी तरह किसी हिंदू लड़की का मुसलमान से निकाह नहीं हो सकता। पे एक ही वीडियो चल रही है इन दोनों की, अलीजे की और आयुष की। ये नेपाल का लड़का है, वो पाकिस्तान की दुबई से उसकी फैमिली के साथ उससे मिलने आई और फ्रेंडशिप में आयुष ने उसे एक अंगूठी पिना दी। अब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने शादी कर ली, फ्रेंडशिप में पिनाना गलत बात नहीं है। ऐसे कई मामले हैं जो हिंदुओं की लड़कियां मुसलमानों से शादी कर लिए, गौरी शाहरुख से, करीना सैफ अली खान से और किरण राव आमिर खान से, जब किसी का मुंह नहीं खुला। अब ये दोनों फ्रेंडशिप में अपने मिलियन फॉलोअर्स इनको लाइक करते, टिकटॉक पे इनके लाइक को देखते एंजॉय करते वो लोग, इन्हें आज तक अपना नकाब नहीं निकाली। ये एक बहुत अच्छी चीज की एक खासियत, अल्लाह इसके दिल में ईमान रखा तभी तो ये करती ना। क्या पता उसी मुसलमान हो जाए जाके हमारे जैसे सब मियां भाई हट्टा कट्टा बन जाए। हैं, कलमा पढ़ते हुए सुना है तुमने उसको? तो और एक नेकी और सवाब का काम हो जाए। भाई देखो, हिंदू मुसलमान मत करो और फिल्म मत बनाओ, जब रियलिटी रियल सामने आएगा तब देख लेना, समझ गए ना। अलीजा और आयुष की एक वीडियो किसी ने मुझे मेंशन की कि इनकी पूरी फैमिली जो है वो नेपाल पहुंच चुकी है और इन दोनों की जो है वो शादी कर दी गई। याद रख लीजिए ये बात, ऐसे कई आए कई चले गए, उनकी जिंदगी उनको जीने दो। अगर इन दोनों की मोहब्बत सच्ची है तो फिर लड़का मुस्लिम भी होना चाहिए। अरे ओ बे, मोहब्बत में कहीं लिखा है कि मुस्लिम को मुस्लिम ही से सिर्फ मोहब्बत हो सकती है, हिंदू से नहीं हो सकती है, हिंदू को मुस्लिम से नहीं हो सकती है? किसी मजहब में नहीं लिखा हुआ किसी को गलत बोल बिना वजह के। आप यहाँ पे खाली टॉपिक बना के रखा हुआ है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ओ भाई खत्म करो ये हिंदू मुस्लिम, पहले एक अच्छे इंसान तो बन जाओ।